आज हम बात करने वाले हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल को समझने के लिए मैंने ऑर्थोगोनल मशीन का एक डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें इसको वर्कपीस बोलते हैं, ये होता है टूल, ये होता है टूल का फेस। टूल के फेस जो होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जब आप देखेंगे तो जो ऊपर का पार्ट होता है जिससे दो कटिंग एज होती है, एक होती है साइड कटिंग एज और एक होती है एंड कटिंग एज, तो दो टाइप के एंगल बनाती है, एक बनाती है बैक रैक एंगल और एक बनाती है साइड रैक एंगल फेस के साथ। ये टूल का होता है फ्लैंक, ये अनकट मशीन सरफेस है और इसको बोल सकते हैं अनकट चिप थिकनेस, जबकि ये कटिंग के बाद यानी कि शेयर प्लान के बाद जो सरफेस होती है उसको बोलते हैं चिप। ये कटिंग हो चुकी है इसकी, क्योंकि इसकी कटिंग हो चुकी होती है, ये होगी मशीन्ड सरफेस, यानी कि इसकी मशीनिंग हो चुकी है। अब मशीन्ड सरफेस से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसको बोला जाता है रेफरेंस प्लेन, और इस रेफरेंस प्लेन के साथ इसका रीजन ये है, ये 2D व्यू है, यदि हम इसको बोर्ड के बाहर निकालें और इस साइड से देखें तो ये पूरा एक प्लेन दिखेगा, इसलिए इसको बोला जाता है रेफरेंस प्लेन। रेफरेंस प्लेन टूल के फेस के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोला जाता है रैक एंगल। इस टॉपिक में हम इसी रैक एंगल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रैक एंगल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो रैक एंगल भी होता है। अब हम बात करते हैं जब पॉजिटिव रैक एंगल होता है और किस कंडीशन में हम पॉजिटिव रैक एंगल यूज करते हैं और इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं, ठीक है। उसको समझने के लिए हम एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लेते हैं। ये टूल है, ये वाला जो एंगल है ये है पॉजिटिव रैक एंगल, टूल का फेस रेफरेंस प्लेन के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रैक एंगल। इसकी वैल्यू वेरी करती है 5 से 30 डिग्री के बीच में। हम पॉजिटिव रैक एंगल कब रिकमेंड करते हैं या फिर कब यूज करते हैं, जबकि जो मशीनिंग सरफेस है उसकी स्ट्रेंथ कम हो, यानी कि वो आसानी से बेंड हो जाए। दूसरा, जब हम लॉन्गर शाफ्ट की मशीनिंग करते हैं, लॉन्गर शाफ्ट हो लेकिन डायमीटर कम हो तो उसके बेंड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उसी कारण हम पॉजिटिव रैक एंगल रिकमेंड करते हैं। पॉजिटिव रैक एंगल के फायदे ये है कि ये पावर कम कंज्यूम करता है, इसमें कटिंग फोर्सेस कम आते हैं क्योंकि आसानी से कटिंग हो जाएगी तो पावर भी कम कंज्यूम होगी और दूसरा कटिंग फोर्सेस भी कम आते हैं। और जब जो हमारा सेटअप है उसकी स्ट्रेंथ कम हो, यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम है और हमने ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया तो चांसेस है कि हमारा जो सेटअप है वो फेलियर हो जाए, इस कारण भी हम पॉजिटिव रैक एंगल रिकमेंड करते हैं। और इसमें जो हम कटिंग टूल यूज करते हैं पॉजिटिव रैक एंगल के लिए वो करते हैं HSS, इसमें होता है टंगस्टन 18%, क्रोमियम 4% और वैनेडियम 1%, इसका कॉम्बिनेशन होता है और इसकी जो कटिंग स्पीड होती है वो 30 मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि कार्बाइड की जो स्पीड होती है वो होती है 130 मीटर पर मिनट होती है, 150 मीटर पर मिनट। तो इसकी जो कटिंग स्पीड है वो होती है 30 मीटर पर मिनट। इसमें जो कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं इसमें होता है 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम एंड 1% वैनेडियम। तो ये
इसकी कटिंग स्पीड होती है वो सबसे कम होती है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव रैक एंगल के लिए यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव रैक एंगल। योगा या पॉजिटिव रैक एंगल, नेगेटिव रैक एंगल क्या रहेगा, यदि हम रेफरेंस प्लेन ड्रॉ करें, रेफरेंस प्लेन के लेफ्ट साइड में भी यदि टूल है तो ये जो एंगल बना रहा है ये नेगेटिव रैक एंगल हो जाएगा। इसमें ये हो जाता है, इसमें क्या टूल की स्ट्रेंथ कम थी, इसमें हमारे पास बहुत सारा सरफेस आ गया तो टूल की स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई है, यानी कि टूल ज्यादा पावर झेल सकता है, ज्यादा फोर्सेस झेल सकता है, यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो इंक्रीज हो चुकी है। तो इसमें क्या हम रिजिड सेटअप यूज कर सकते हैं नेगेटिव ब्रेक एंगल में, सेटअप रिजिड सेट कर सकते हैं, और इसमें जो फोर्सेस आते हैं वो वेरी वेरी हाई पावर कंज्यूम कर करते हैं, इंपैक्ट लोड आते हैं। उसका रीजन ये है पॉजिटिव ब्रेक एंगल में जो एज होती है, मैं भी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा, जो कटिंग एज होती है वो आसानी से कटिंग कर देती है, लेकिन इसकी कटिंग एज होती है बैक साइड में, तो उसको झटके के साथ कटिंग करनी पड़ती है। उस कारण क्या होता है कि जर्क भी आता है, यानी इंपैक्ट लोड आते हैं, इसमें जो टूल की लाइफ होती है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ कम थी, यानी कि टूल पतला था तो टूल लाइफ कम थी, यहाँ पे क्या टूल के पास बहुत सारा मटेरियल है, इससे कि टूल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसमें कटिंग स्पीड हम स्लो भी यूज कर सकते हैं, यानी कि कटिंग स्पीड आसानी से धीरे धीरे कटिंग करें तो इसमें कटिंग हो जाएगी, लेकिन इसमें हमको कटिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि इस कटिंग एज बैक साइड में होती है। तो ये कुछ डिफरेंस है पॉजिटिव ब्रेक एंगल और नेगेटिव ब्रेक एंगल में। अब हम बात करते हैं जीरो रैक एंगल, और जीरो रैक एंगल हम कब रिकमेंड करते हैं, जब हमको करनी रहती थ्रेडिंग, यानी कि जब हम थ्रेड बनाते हैं तो उस कंडीशन में हम जीरो रैक एंगल का यूज करते हैं, यानी कि जो रेफरेंस प्लेन है उसके नाम से जो टूल एंगल बनाता है टूल का फेस वो जीरो रैक एंगल होता है। जब हम ब्रास की कटिंग करते हैं और ग्रे कास्ट आयरन की कटिंग करते हैं तो उस कंडीशन में भी हम जीरो रैक एंगल रिकमेंड करते हैं। जीरो रैक एंगल जो मशीनिंग होती है उसको सिंप्लीफाई कर देता है, इसलिए थ्रेडिंग करते समय भी हम जीरो रैक एंगल का यूज करते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ इसको समझने के लिए, इसके लिए मैंने एक पेज लिया है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये हो गई हमारी सरफेस, समझ लीजिए हमारी सरफेस है, यदि मैं इसको कट करता हूँ पॉजिटिव रैक एंगल से तो क्या होगा, देखिए पॉजिटिव रैक एंगल यानी कि टूल की जो कटिंग एज है, जो कटिंग एज है, ये ब्लेड आपको दिख रही है, ये कटिंग एज है, ये इसके साथ कुछ एंगल बना रही है, यदि ये जीरो रैक एंगल और ये नेगेटिव रैक एंगल, यदि मैं एज को पीछे की साइड कर दूँ तो ये क्या है, ये सरफेस है, ये वाली कटिंग एज है, इसके साथ रेफरेंस प्लेन के साथ ये एंगल बना रही है। अब देखिए मैं कटिंग करता हूँ उसमें आसानी से कटिंग हो जाएगी बिल्कुल, ये देखिए कटिंग आसानी से हो रही है ये पॉजिटिव रैक एंगल के साथ। यदि हम जीरो रैक एंगल लें, जीरो रैक एंगल जो कि हम थ्रेडिंग के लिए यूज करते हैं या ब्रास के लिए यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं जीरो रैक एंगल। जीरो रैक एंगल में क्या होता है, जब थ्रेडिंग करते हैं तो हमको क्या सिंप्लीफाई मशीनिंग करनी रहती है, यानी कि सिंपल होती है मशीनिंग, उस केस में क्या होता है ये टूल की जो सरफेस है उसका एंगल जीरो रहेगा, यानी कि कुछ ऐसे मशीनिंग होगी। अभी भी टूल में ज्यादा फोर्सेस हमको अप्लाई नहीं करने पड़ेंगे लेकिन कटिंग हो जाएगी क्योंकि ये ब्लेड है इस कारण कट नहीं कर पाएगा। दूसरा जीरो रैक एंगल का ये फायदा ये भी होता है कि टूल की डिगिंग नहीं होती है कटिंग सरफेस में। डिगिंग का मतलब क्या होता है, जब हम कटिंग कर रहे होते हैं तो ये टूल अंदर घुस जाता है, पॉजिटिव रैक एंगल में ये डिगिंग सबसे ज्यादा होती है, इसे कि हम कटिंग कर रहे हैं तो ये टूल सरफेस के अंदर घुस जाता है, यानी कि ये कट करते करते सरफेस को अंदर घुस जाता है, इसको बोलते हैं डिगिंग। पॉजिटिव रैक एंगल में ये काफी चांसेस रहते हैं कि ये डिगिंग सबसे ज्यादा हो,
जबकि जीरो रैंक एंगल में ये फायदा होता है इसमें टिकिंग नहीं होती है। अब हम बात करते हैं जीरो और निगेटिव रैंक एंगल की। निगेटिव रैंक एंगल जो होता है उस कंडीशन में क्या होता है, टूल की जो कटिंग एज होती है वो बैक साइड होती है, उस कारण क्या हमको कटिंग स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ती है और इम्पैक्ट लोड भी अप्लाई करने पड़ते हैं, क्योंकि जो कटिंग एज है, ये जो कटिंग एज है ये बैक साइड में हो जाएगी, यानी कि टूल अब जो डायरेक्शन ये रहेगी मूवमेंट की लेकिन कटिंग इसको करनी रहेगी, तो इस कारण क्या ये कट तो नहीं पाएगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये क्या बेंड हो जाएगी, क्योंकि कटिंग टूल नहीं है ब्लेड है इस कारण नहीं कटेगी। देखिए इसमें हम स्पीड ज़्यादा रखें तो देखिए ये बेंड हो रहा है, इसी कारण सरफेस कटता जाता है, ऐसे ये बेंड होता जाएगा, इसलिए इस पर इम्पैक्ट लोड ज़्यादा आते हैं, मशीन की स्ट्रेंथ हमको ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था कि पॉजिटिव रैक एंगल होता है तब पावर कम कंज्यूम होती है, आसानी से कटिंग हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं पॉजिटिव रैक एंगल में कटिंग आसानी से हो जाती है क्योंकि बेंड हो गया उसका कटिंग पाए, पॉजिटिव रैक एंगल में कटिंग आसानी से हो जाती है, जबकि जीरो रैक एंगल में डिगिंग नहीं होती और हम इससे थ्रेडिंग करते हैं और ब्रास और कास्ट आयरन की कटिंग भी हम जीरो रैक एंगल से ही करते हैं, जबकि जो नेगेटिव रैक एंगल होता है उसमें पावर ज़्यादा कंज्यूम होती है, इम्पैक्ट लोड आते हैं, पॉजिटिव रैक एंगल में आप देखिए बिल्कुल आसानी से कटिंग होती है, देखना ये कट नहीं पा रही, ये देखिए खराब हो गया थोड़ा, ये देखिए आसानी से कटिंग होती है पॉजिटिव रैक एंगल, जबकि नेगेटिव रैक एंगल में कटिंग नहीं हो पा रही है, यानी कि ज़्यादा इम्पैक्ट लोड आएंगे, ज़्यादा जर्क आएंगे, हमको टूल का जो सेटअप लेना पड़ेगा वो रिजिड सेटअप लेंगे, तो इस कारण पावर भी ज़्यादा कंज्यूम होगी, पावर ज़्यादा नहीं बहुत बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, एम्पल पावर कंज्यूम होती है, लेकिन इसमें ये फ़ायदा रहता है टूल जो हम यूज करते हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और इसमें कटिंग स्पीड हमको हायर यूज करनी पड़ती है, जबकि हम इसमें लोअर कटिंग यूज में भी हम काम चला लेते हैं। इसकी जो वैल्यू वैरी करती है पॉजिटिव रैक एंगल की वो 5 डिग्री से 30 डिग्री वैरी करती है। HSS यूज करते हैं हम इसमें, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है टंगस्टन 80%, क्रोमियम 4% और वैनेडियम 1%। कार्बाइड यूज करते हैं क्योंकि कार्बाइड और सिरामिक, दूसरा भी एक यूज करते हैं वो होता है सिरामिक, सिरामिक की जो कटिंग स्पीड होती है वो होती है 600 मीटर पर मिनट। ये दोनों ही बिटन मटेरियल होते हैं, बिटन मटेरियल इम्पैक्ट लोड नहीं ले पाता है, तो इसमें जो हम बनाते हैं इसमें हम पाउडर टेक्नोलॉजी होती है ना उसको यूज करते हैं, उससे केवल जो कटिंग एजेस होती हैं वो बनाते हैं, पीछे जितना भी पार्ट बनता है वो बनता है HSS का, क्योंकि HSS इम्पैक्ट लोड झेल सकता है, इसलिए इसकी कटिंग एज जो होती है केवल वो ही हम बिटन मटेरियल से बनाते हैं, इस कारण ये इम्पैक्ट लोड झेल लेता है HSS की वजह से, और जो हम मटेरियल यूज करते हैं कार्बाइड और सिरामिक इसको हम हाई स्पीड के लिए यूज कर सकते हैं, तो इस कारण से हम कार्बाइड और सिरामिक को हाई स्पीड में भी यूज कर लिया और HSS का हमको बेनिफिट ले लिया हमने पीछे की साइड जो सैंक और होल्डर होता है उसमें, इस कारण इस पे इम्पैक्ट लोड नहीं आएगा, सॉरी इम्पैक्ट लोड तो आएगा लेकिन HSS है तो वो इसको सस्टेन कर लेगा। तो ये हो गया पॉजिटिव रैक एंगल और नेगेटिव रैक एंगल और जीरो रैक एंगल के बारे में, यानी कि रैक एंगल के बारे में। थैंक यू।